तो भाई देखो अपना एग्जॉस्ट खोल रहा है और उसके बाद फिर लग जाएगा अपना कैट। तो गाइस फॉर्म बन चुकी है। स्प्रॉकेट के ऊपर देखो भाई ऐसी गंदगी जमा हो रखी है। इतनी परेशान क्यों हो भाई? हाँ अरे हम इसको चाकू से कट कर रहे हैं। और एग्जॉस्ट वाली बाइक को यार डायरेक्ट सीज किया जा रहा है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपनी पार्किंग से। सारी बाइक्स जो हमने बाहर निकाली हुई है क्योंकि भाई आज प्लान बना है बाइक्स को वॉश करने का। सुबह सुबह अपनी कोई भी राइड नहीं थी। हम लोग वैसे दो तीन दिन से सोच रहे थे कि बाइक वॉश करेंगे लेकिन यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज सारी बाइक्स को करते हैं वॉश। CBR की कंडीशन चेक करो भाई, इतनी ज्यादा धूल जमा हो रखी है और इसको हमने काफी दिन से निकाला भी नहीं है। बहुत ज्यादा गंदी हालत CBR की है। बाकी यार डोमिनार की भी हालत बहुत ज्यादा गंदी है पीछे से। ये देखो भाई, तो ये इसकी रबर निकल गई थी तो वॉश करने के बाद इसकी रबर भी लगाएंगे और आज नंबर प्लेट भी लगाने वाला हूँ क्योंकि उसके दो नट निकल गए थे तो वो नट मैं ले आया हूँ। और आगे वाली इसकी नंबर प्लेट है भाई आर्यांश के पास निकल गई थी तो आर्यांश के बैग में रख दी थी तो उसके साथ ही चली गई थी तो मैं उसको ले ही नहीं पाया हूँ। तो आज आगे वाली नंबर प्लेट भी लगाएंगे। बाकी यार शिवम भाई भी इसकी टेल काटने वाले हैं। पहले बाइक्स को वॉश करेंगे उसके बाद उस वाली व्हाइट वाली डोमिनार की और ब्लू वाली डोमिनार की दोनों की चेन क्लीन और ल्यूब करेंगे। दोनों की चेन भाई सूखी पड़ी हुई है तो इस बार हम क्लीन भी करने वाले हैं। बाकी यार इसे चेक करो, काफी ज्यादा गुस्से में। नहाना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई हम लोगों ने सोचा था कि सुबह 8 बजे आ जाएंगे बाइक्स वॉश करने के लिए लेकिन शिवम भाई ने इतना लेट करवा दिया। भाई तुम्हारी एडिटिंग नहीं हो पाती, ऊपर से भाग गए तुम। भाई अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, देखो टाइम दिखाता हूँ मैं, 12:07 हो रहे हैं। तो भाई 11 बजे हम लोग आ गए थे, फिर ये मुझसे कह के कुछ कुछ काम आ गया, फिर आए थे 12 बजे। अभी धूप नहीं थी, तेज हो रखी है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा धूप में जाने का। बाइक्स वॉश करते हैं, हालांकि मन बिल्कुल भी नहीं है, 10% भी मन नहीं है भाई। वैसे CBR गंदी नहीं है, बस इस पे धूल छाई हुई थी। और आज अपनी भाई प्लेटिना भी धुल रही है, ये तो बहुत दिनों बाद धुल रही है। ये तो लगेज में धुल रही है भाई। ये बहुत ज्यादा गंदी नहीं होती है। ये देख रहे हो भाई, ये देखो खून लगा हुआ है मच्छरों का। भाई ये देख रहे हो ग्लू चिपक गया है, जो मैंने रैप हटाया था उसका ग्लू रह गया, उसके बाद उस पर फिर डस्ट चिपक गई है, वो बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था ये। और ये देखो हल्का था ना, ये रैप छूटा भी नहीं है, इसको ना मैं हॉट गन से हटवाने वाला था, ये काम भी नहीं करा पाया मैंने। शायद पानी के बाद छूट जाइए हल्का था, उम्मीद तो है। स्नैपी आओ। तो गाइस अब डेढ़ ही मार रहे पानी, उन्होंने मुझसे बुला के तेरे को पानी मारना नहीं आता। भाई अब तो नहाने का मन कर रहा है सच में, पूल चले क्या? नहाने ये करने के बाद देखते हैं। तो भाई पानी सारी बाइक उस पर मर चुका है। तो गाइस पानी हम लोग मार चुके हैं, अभी हम लोग डालने जा रहे हैं शैम्पू, फोम वॉश देंगे सस्ता वाला। भाई सारे मत डाल देना, एक छोड़ देना मेरे लिए। तो गाइस फोम बन चुकी है, शिवम भाई को नहला दूं क्या? शुरुआत करते हैं अपनी CBR से। सो गाइस अब शुरू हो चुका है अपना मुश्किल वाला टास्क, ये एलॉयस को साफ करना। ये देखो इसमें डायमंड कट है ना, तो ये सिल्वर है तो जो चेन की जो भी गंदगी होती है वो इस पर आ जाती है। तो इधर साइड में साफ कर चुका हूँ, इधर साइड में दिखाता हूँ कैसी कंडीशन होती है। ये देख रहे हो, ये देखो ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है ऐसा, तो इसको साफ करने में भाई बहुत टाइम जाता है। ये साफ कर रहे हैं, इसके बाद हमें फिर अपना स्प्रॉकेट भी साफ करना है। स्प्रॉकेट के ऊपर देखो भाई ऐसी गंदगी जमा हो रखी है। शिवम तो शैम्पू कर चुका है बाइक्स पे, अभी वॉश कर रहा है, हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है इसको साफ करने में क्योंकि पूरा एलॉय भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। इस पर देखो इस पर भी ऐसे ये जम रखी है डस्ट। तो गाइस बाइक तो वॉश हो चुकी है, अभी मैं निकालने जा रहा हूँ भाई इसमें से पेट्रोल, क्योंकि रैप छुटाने के बाद ना हल्का हल्का गम भाई चिपका हुआ है, ये देखो हल्का हल्का, तो वो छूटा नहीं है तो वो पेट्रोल से छुटाएंगे उसे। इन सब में अब किसी बैग में से पेट्रोल नहीं निकल सकती, इसको छोड़ के इसमें से हम पेट्रोल निकाल सकते हैं। पेट्रोल पहले करते हैं बंद, उसके बाद पाइप निकालते हैं पेट्रोल वाला। ये देखो बहुत परेशान है, ये देखो इतनी परेशान क्यों हो भाई? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई अभी ना यहाँ पे एक बंदर आ गया था तो ये उसी को ढूंढ रही है कि है कहाँ वो। पाइप निकल चुका है और ये पेट्रोल, ग्लू छुटाने का काम हो गया चालू। थोड़ा सा पेट्रोल छोड़ देना मेरे पे भी, हल्का सा टंकी पे वो हटा दूँ। तो गाइस बाइक वॉश हो चुकी है और बाइक्स को हम बाहर से ले आए हैं अंदर, क्योंकि यार देखो बाहर बहुत तेज धूप पड़ रही है तो बाकी का काम जो हम अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लगाने वाले हैं ये जो रबर थी अपनी,
ये देखो हट चुकी थी, तो इसको लगाने वाले हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, मैंने इसको एम सील से फिक्स किया था, तो एम सील ना यहाँ पे अभी रह गई है। ये देखो ये जो लेयर है एम सील के, तो अभी हमें इसे काटना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम ये रबर लगाएंगे। अभी हम इसको चाकू से कट कर रहे हैं, ये देख रहे हो भाई पूरी परत निकल के आई है एम सील की, ये देखो ऐसे ही निकल रही है। तो गाइस अपनी ये रबर लग नहीं रही, मैंने एम सील भी देखो इस पर लगा लिया है, इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, या तो एम सील बेकार है या फिर एम सील थोड़ी कम पड़ रही है, पतली लेयर हो रही है, तो एम सील से लग नहीं पा रहा। अभी एक दूसरा आइडिया है कि इसको ऐसे लगा के यहाँ दोनों कॉर्नर पे, मतलब चारों कॉर्नर पे चाइना पेच लगा देंगे छोटे वाले, तो वो फिर निकलेगा भी नहीं, ये बार बार निकल भी जाती है छूट के, तो वही करेंगे अब। सो गाइस अब करते हैं चेन क्लीन, पहले इस वाली बाइक की करते हैं फिर उस वाली बाइक की करेंगे। तो ये है अपना चेन क्लीनर रोल ऑन का, गाइस स्प्रे तो मैंने मार दिया है, अब ब्रश से करते हैं साफ। तो आज हम करवाने वाले हैं बाइक का एग्जॉस्ट चेंज, अपनी बाइक को स्ट्रोक कराने वाले हैं, मैं भी कराने वाला हूं, शिवम भी कराने वाला है, क्योंकि अभी ना कार्स में बहुत ही गंदी तरह से चेकिंग चल रही है, और एग्जॉस्ट वाली बाइक को यार डायरेक्ट सीज किया जा रहा है, चालान नहीं कर रहे हैं वो लोग, डायरेक्ट सीज कर रहे हैं। अभी कासम की पुलिस भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रखी है, क्योंकि भाई अभी आपको पता हुआ प्रो राइडर वाला भी केस हुआ था, तो ओवर स्पीडिंग पे भी चालान हो रहे हैं, और मतलब बहुत बारीकी से चेकिंग चल रही है, हर चीज चेक करी जा रही है एकदम कायदे से भाई, जगह जगह चेकिंग चल रही है। बाकी भाई आज शिवम भाई भी आपको राइडिंग जैकेट में दिख रहे होंगे, शिवम भाई ने भी राइडिंग जैकेट ले ली है वेनम की, और कलर भाई वही है सेम अपना नियॉन और ब्लैक वाला, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, अगर आता है इसके अलावा तो कुछ रेड ऑरेंज आता है, ये काफी हाईलाइट होता है, तो भाई ने भी यही वाला कलर लिया हुआ है, वाइजर डाउन कर लिया, फुल लुक दे रहा है। तो भाई देखो अपना एग्जॉस्ट खोल रहा है, और उसके बाद फिर लग जाएगा अपना कैट। जब से मैंने भाई एग्जॉस्ट लगवाया अपनी बाइक में, तब से अभी तक मैंने कभी निकलवाया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम मैं इसको निकलवा रहा हूँ। एक बार पहले मैंने दूसरा लगाया हुआ था, फिर अभी 5-6 महीने पहले मैंने इसको चेंज करा था, एक्रापोविक R1M डलाया था, क्योंकि इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो काफी ज्यादा बेसी थी, और पहले जो मेरे में पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था भाई ये वाला, पहले ये डला हुआ था एक्रापोविक का हेक्सा। तो गाइस अपना स्टॉक वाला साइलेंसर लग चुका है, कैटालिटिक कन्वर्टर, मफलर अभी नहीं लगाया, वो भी एक दो दिन में लगवा लेंगे, तो अभी चेक कराते हैं आपको स्टॉक साउंड इसकी। तो भाई शिवम की बाइक में भी एग्जॉस्ट चेंज हो चुका है, अभी ना क्रैश गार्ड को थोड़ा सा खोल रहे हैं, क्योंकि शिवम की बाइक में ऑयल कम हो गया है, तो टॉप अप होना है, तो ऑयल ये इसने मंगा लिया था, 1.5 लीटर का है, पूरा नहीं पड़ेगा थोड़ा सा ही पड़ेगा, देखते हैं कि कितना पड़ेगा। तो गाइस ऐसे तो हम लोग इस प्लान से आए थे कि एग्जॉस्ट चेंज कराने के बाद एक राइड पे जाएंगे, लेकिन भाई टाइम इतना ज़्यादा हो गया ना, 7:18 हो रहा है अभी, तो अंधेरा हो चुका है, तो अभी राइड तो अपनी कैंसिल हो चुकी है, तो अभी हम लोग बस रिलायंस तक जा रहे हैं, शिवम फ्यूल अप करा लेगा, उसके बाद हम लोग फिर घर चले जाएंगे। भाई काफी सूना सूना सा माहौल लग रहा है, अब तक काफी लाउड लाउड माहौल हुआ करता था, अब ऐसा माहौल हो चुका है। भाई ऐसा लग रहा है कि आज तो यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है, सारे लोग देखो इकट्ठा होके वहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं भाई पेट्रोल तो है, लेकिन जिसको पेट्रोल डलवाना है वो गायब है। सो गाइस फ्यूल अप तो हो चुका है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे तक और जा रहे हैं, छोटा सा राउंड मार के आते हैं, आगे से यू टर्न मारेंगे। 2-3 दिन से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना भाई, बहुत ही ज्यादा गर्म माहौल हो रखा है। अभी हम लोग जब 5:30 बजे घर से निकल के आए थे, तब भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी थी, तो अभी शाम की राइड अवॉइड करनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोगों ने कल मॉर्निंग में राइड प्लान की है 5:30 बजे की। ओ भाई ये देखो स्पार्किंग हो रही है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, चाय भी होगी क्या? तो भाई चाय अब बंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी कैसी पड़ रही है भाई, मजा आ रहा है? भाई मेरे यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं LG की 5 टन वाली AC लग रखी है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। 5 टन पाँच टन की, ओ माई गॉड, सामने ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कासगंज लिखा हुआ है भाई, और नीचे से ना लाइटिंग भी हो रही है, तो अभी ना ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, काम चल रहा है इस पे। बाकी भाई देखो बहुत प्यारा लग रहा है, अगर किसी को फोटो वगैरह कराना है तो यहाँ पे आ सकता है, नदरी पे ये जो तिराया यहीं पे भाई लिखा हुआ है कासगंज, एकदम तगड़ा लग रहा है भाई। सो गाइस कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ले लिए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे कोई जगह देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम बैठते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। सो गाइस यहाँ पे मिल चुका है हमें मस्त तखत पड़ा हुआ, यहीं पे बैठते हैं थोड़ा टाइम।
तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और इतनी ही देर में भाई बारिश आ गई, तो अभी ना फटाफट निकलते हैं क्योंकि अभी ना बहुत ज्यादा तेज नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है ना, ज्यादा तेज आ गई तो भाई भीग जाएंगे। भाई देखते ही देखते देखो बारिश कितनी ज्यादा बढ़ गई, रोड पूरी गीली हो चुकी है। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।